टेलीप्राइम के एडिट लॉग में कैसे हम जीएसटी को एक्टिवेट करें। देखिए एक्टिवेट करना बड़ा आसान है, यहाँ पे ये हर्ष स्टोर नाम की कंपनी अभी कोई भी एंट्री पास हुई नहीं है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको प्रेस करना है F11 की। अब हमारे कंपनी का नाम क्या है, पहले तो आप ध्यान दीजिएगा ये गेटवे ऑफ टैली पे रहना है, और गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए आपको F11 प्रेस करना है, और यहाँ पर हमारे कंपनी का नाम है हर्ष स्टोर, एंटर कर देते हैं वहां जा करके। बस यहाँ पर इस तरीके की चीजें दिखेंगी। अब आपको इसमें क्या क्या चीजें चाहिए, देखिए पहले तो ये मेंटेन अकाउंट ये यस रहेगा, और ये बिल वाइज एंट्री इसको भी आपको यस रखना है। अब सीधे आ जाते हैं कहाँ, टैक्सेशन पर। अगर आपको जीएसटी लगाना है तो आप जीएसटी लगा सकते हैं, अगर आपको वैट लगाना है तो वैट लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब एक कंपनी में दोनों नहीं अप्लाई होगा, एक ही अप्लाई होगा। वैट कहाँ लगता है, वैट यूएई वगैरह कंट्रीज में लगता है, ठीक है, और इंडिया में भी पहले वैट लगता था, लेकिन अब जीएसटी लग रहा है, और हर सामान पे जीएसटी लग रहा है, खाने से लेके पढ़ने से लेके हर एक चीज पे जीएसटी है। तो यहाँ से जीएसटी आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे यस कर सकते हैं, तो ये ऑलरेडी यस है, यहाँ पे जाकर के आपको एक बार फिर से यस प्रेस करना होगा, ठीक है। तो ये यस जैसे ही हो जाएगा तो ये इस तरीके की विंडो खुल करके आएगी, ठीक है। अब इन सबका अपना अलग अलग मतलब है, क्या क्या मतलब है, स्टेट कौन सा है आपका, उत्तर प्रदेश। रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पे देख ही सकते हैं, रेगुलर, दो तरीके का रजिस्ट्रेशन टाइप होता है, एक कंपोजिशन और एक रेगुलर, दोनों का अपना अलग मतलब होता है। कंपोजिशन का मतलब होता है हर 3 महीने पे आप जीएसटी फाइल कर रहे हो, देखिए जीएसटी फाइल करना पड़ता है कि आपने कितना जीएसटी भरा है, ठीक है। आपने एक दुकान खोला और दुकान खोलने के बाद आपने सामान बेचा, तो जब सामान बेचेंगे तो आपको उसमें जीएसटी भी इंक्लूड रहेगा उसी टैक्स में, तो आपको ये बताना होगा जीएसटी रिटर्न फाइल करके कि कुल मिला के आपके थ्रू कितना जीएसटी आया है। तो ये जीएसटी जो है फाइल किया जाता है, और उसमें जीएसटी रिटर्न भी फाइल किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब इसमें रेगुलर में क्या होता है, हर महीने जीएसटी फाइल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एंटर करते हैं। अब ये एक ऑप्शन है एसीज ऑफ अदर टेरिटरी, तो इसको अभी नो रखेंगे, इसको चालू नहीं करेंगे। और जीएसटी कब से एप्लीकेबल हो रहा है, मान लीजिए कि 2 मई से एप्लीकेबल हो रहा है, हमारा दुकान 2 मई को खुल रहा है, भाई फाइनेंशियल ईयर का क्या है, वो तो हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, लेकिन हमारा 2 मई को दुकान खुला है, तो हम यहाँ पे 2 मई डाल देंगे। और यहाँ पर आपका जो भी जीएसटी आई नंबर है वो नंबर यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं एक डमी नंबर डाल देता हूँ, और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम मंथली जीएसटी फाइल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया एडिशनल फीचर्स, तो कई बार इसको यस नहीं किया जाता है तो दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ पे यस जरूर कर लीजिएगा। ये यस नहीं करेंगे तो कभी कभी जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता है। तो ये देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एग्जेम्प्टेड, निलेटेड, और तीसरा है टैक्सेबल। टैक्सेबल माने वो प्रोडक्ट्स जिन पर जीएसटी लगता है। अब जीएसटी कितना कितना लगता है, 5%, 10%, 12%, 18%, 21% और 28%, यही गुड्स पे जीएसटी लगने का प्रावधान है, ठीक है। लेकिन ये नील रेटेड क्या है, नील रेटेड माने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर जीएसटी तो लगता है लेकिन कितना परसेंट, 0%, कितना लगता है। और एग्जेम्प्टेड यानी जिन प्रोडक्ट्स को जीएसटी लॉ के बाहर रखा गया है उन्हें हम एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में रखते हैं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ बाय डिफॉल्ट 5% का जीएसटी लगा दे रहे हैं, तो देखिए 2.5% के हिसाब से डिवाइड हो गया, ठीक है। और ये सेस है तो सेस के बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एंटर करेंगे, और ये ईवे बिल है, ईवे बिल का कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर कंट्रोल ए कर देते हैं, ये पूरा एक्सेप्ट हो जाएगा, तो जीएसटी हमारा चालू हो गया, ठीक है। अब जब आप एंट्री पास करेंगे परचेज वगैरह में, चाहे सेल्स में, तो वहां पर जीएसटी लगा सकते हैं। अच्छा ये बताइए, कभी सेल्स में डायरेक्ट एंट्री पास करी है, नहीं पास करी है। अब पास कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। सीधा एंट्री पास करेंगे, जानते क्या होगा, यहाँ पर आए अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर स्टॉक आइटम बनाते हैं, यहाँ पर कोई स्टॉक आइटम बनता ही नहीं है, यहाँ पे नहीं बनता। अब मान लीजिए कैश में ये सेल कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर कहाँ स्टॉक आइटम बनता है, यहाँ पे स्टॉक आइटम ही नहीं बनता है। यहाँ पे मान लीजिए बच्चे क्या करते हैं, एंटर करके यहाँ पे सेल्स का लेजर लगा देते हैं, और ये ग्रुप रहेगा सेल्स का, ठीक है। अगर ग्रुप में गलती की तो फिर वही लेजर आएगा नहीं आपका, ठीक है। और यहाँ पे एंटर करके ये लगा दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉक आइटम बनाते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे जब स्टॉक आइटम बनाइएगा तो हमेशा नेगेटिव स्टॉक आएगा, हमेशा नेगेटिव स्टॉक, क्योंकि सेल्स में कहाँ स्टॉक आइटम बनता है, परचेज आप करके एंट्री पास कर देंगे तब ना आपके पास स्टॉक आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चीनी कर देते हैं, शुगर, और यहाँ पे ये बना दिया, और यहाँ पे यूनिट भी बना देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं केजी, एंटर करते हैं, यहाँ लिख देते हैं किलोग्राम,
ये हो गया, और यहाँ पे यूपीसी कोड में केजी आ जाएगा किलोग्राम, और यहाँ पे थ्री उरी करके एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। यहाँ पे चाहे तो जीएसटी के रेट को अल्टर किया जा सकता है, ठीक है, फिलहाल अल्टर नहीं कर रहा हूँ, उतना ही रख रहा हूँ जितना हमने दिया था 5%, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए चीनी आपने 7 किलो परचेस किया, तो देखिए तुरंत क्या आ रहा है, अरे भाई आपके पास आपने परचेस कहाँ किया कि आप सेल कर रहे हैं, कागज पे सेल करना है क्या कि उसको देंगे भी, जो ग्राहक आएगा वो लेगा ना चीनिया, तो बिना चीनिया के भेज देंगे उसको बिल थमा करके, तो ये तो गलत एंट्री हो जाएगी ना, तो इस पे ध्यान दीजिएगा, ये बिना परचेस के नहीं होगी एंट्री, ठीक है ना, समझ में आई बात, एक्टिवेशन भी समझ में आ गया। अब देखिए परचेस में एक एंट्री करके बता देता हूँ कि कैसे होगा, तब जाके आप सेल कर पाएंगे। तो ये परचेस में आ गए, यहाँ पर सप्लायर, अब देखिए सप्लायर जहाँ से आप चीनी चीनी घर पे बनता है क्या, सप्लायर से खरीद के लाएंगे तो सप्लायर आपको एक बिल देगा और उसी बिल की एंट्री यहाँ पे करनी है। तो मान लीजिए कि आपने खरीदा होगा 2 मई को या 3 मई को या उससे पहले खरीदा होगा, भाई 2 मई की तो डेट ऑलरेडी चल रही है, तो उससे पहले का खरीदा होगा तो यहाँ पे डेट चेंज करते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है, 1/4 मान लीजिए 1 अप्रैल को खरीदा हो, 1/4/2023, तो यहाँ पे डेट तो चेंज ही नहीं होगा, और बच्चे परेशान कि डेट क्यों नहीं चेंज हो रहा है सर, 1 अप्रैल कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से ही शुरू होता है, लेकिन ये दिमाग में है ही नहीं कि हमने जीएसटी वाला काम कब से शुरू किया था, 2 मई से शुरू किया था, ठीक है, तो ये दिक्कत आ जाती है। और दूसरी चीज ये भी है कि जब आपने कंपनी बनाई होगी तो उस समय डेट क्या रखा होगा वो भी मायने रखता है, लेकिन अगर वहां से अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर भी देखने की जरूरत है। तो यहाँ पे पहले तो डेट चेंज कर लीजिएगा 2 मई, ठीक है, तो यहाँ पे 2/5/2023 कर देते हैं, और अब एंट्री अगर पास करेंगे तो ये एंट्री पास हो जाएगी, देखिए, लेकिन यहाँ पर एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, यहाँ पे ये रेगुलर रहेगा क्योंकि ये बिल हमें सप्लायर से मिलेगा और इनका जो भी GSTIN है वो यहाँ पे डालना होगा, ठीक है, ये डाल दिया हमने, डमी करके डाला है ऐसे दिखाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जैसे सप्लायर को आपने कैश पेमेंट कर दिया है जिसकी वजह से यहाँ पर मैंने कैश किया है, ठीक है, परचेस का रहेगा तो ये परचेस हो जाएगा, एंटर करेंगे ग्रुप परचेस का ही रखेंगे। अब फिर अगर ग्रुप गलत किया तो फिर लेजर नजर नहीं आएगा, ठीक है, तो ग्रुप सही सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे अल्ट सी करके बनाइए यहाँ पे जो भी स्टॉक आइटम। अब शुगर तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, शुगर ही हम लेते हैं, यहाँ पे एस प्रेस करते हैं, शुगर दिख रहा है, बन तो गया है लेकिन अभी है नहीं मेरे पास, तो मान लीजिए यहाँ पे हम 2 किलो खाली ले रहे हैं, 2 किलो, ठीक है, और 1 किलो की खरीद रेट 30 रुपए पड़ रही है मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जीएसटी अप्लाई कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, 60 रुपए का 5% कितना आएगा, 60 का 5%, यहाँ पे कंट्रोल एन प्रेस करने से कैलकुलेटर एक्टिवेट हो जाता है, देखिए नीचे कैलकुलेटर आ गया है, तो कितने का 5%, 60 का 5% है ना, तो यहाँ पे 5% करते हैं और यहाँ पे आंसर देखते हैं क्या आता है, 3 रुपया आ रहा है ना, तो यहाँ पे जीएसटी अप्लाई होगा तो 3 रुपया जीएसटी आएगा, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा जीएसटी अप्लाई होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों अप्लाई होगा, तो यहाँ पे सीजीएसटी का एक लेजर बनाएंगे, सीजीएसटी हो गया और ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स, जो भी टैक्सेस से संबंधित लेजर्स हैं वो कहाँ जाते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, ठीक है, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस और ये जीएसटी ही है और ये सेंट्रल टैक्स है, और यहाँ पर एंटर करिएगा और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग रखिए और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कराइएगा, 1.50 रुपया आ गया, क्योंकि सीजीएसटी खाली लगेगा नहीं, सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी भी आएगा, तो ये एसजीएसटी भी हो गया और यहाँ भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस और यहाँ भी जीएसटी और यहाँ भी स्टेट टैक्स रहेगा, और यहाँ क्या करेंगे, नॉर्मल राउंडिंग करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, तो देखिए 1.5 रुपए के हिसाब से 3 रुपया जीएसटी आ गया ना, मैंने जितना बताया था उतना आ गया, ठीक है, अब इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, अब एक्सेप्ट करा लिया, अब जब एंट्री पास करेंगे सेल्स में एफिएट प्रेस करके तो वहां पर आपको नेगेटिव स्टॉक देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल दिया, एंटर किया, एंटर किया, यहाँ पे मान लीजिए कैश में ही सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कैश में सेल कर दिया, यहाँ एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे सेल्स कर देते हैं। अब देखिए यहाँ शुगर था हमारे पास कितना है, 2 किलो, हम 1.5 किलो बेच रहे हैं, 1.5 kg, ठीक है, कितना, 1.5, तो ये 1.5 लिख दिया, और यहाँ पे रेट डालना है किस रेट से आप बेचेंगे। अच्छा एक चीज और है, आप स्टैंडर्ड रेट पहले ही सेट कर देंगे परचेस करते समय ही, तो यहाँ पर आपको रेट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा मैं। यहाँ पे 40 रुपए किलो के भाव से बिक रहा है चीनी, ठीक है, जीएसटी वही रहेगा, जीएसटी आप अलग से नहीं दे सकते, जीएसटी खाली आप यहाँ पे दीजिए, ये अपने आप आ जाएगा, 1.5 रुपए आ गया, आ गया ना भाई, 60 रुपए का आपने खत परचेस किया था तो भी 1.5 रुपए लग रहा था, 60 रुपए का सेल करेंगे तो भी 1.5 रुपए लगेगा, आई बात समझ में, तो ये हो जाएगा सीजीएसटी एसजीएसटी, और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा, बात खत्म।